डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हिला सकती है, तोड़ सकती है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फियर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई टेक थेरेपी सेशंस विद मेनी पीपल, आई थिंक द बिगेस्ट फियर आई सी और सेंस इन देम इज़ दैट आई विल नॉट बी अंडरस्टूड। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे फील दैट दे हैव नेवर been showcased empathy, and they feel that this is how the life is going to look like. And the second biggest fear I have sensed while talking to people is that they also have this fear of losing important relationships, that they will not be able to sustain important relationships. आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि रिश्ते कैसे बनते हैं। रिश्ते दो लोगों की मेहनत से बनते हैं, एक इंसान के एफर्ट से नहीं बनते हैं। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान मेहनत कर रहा है, वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आगे चल के वो थक जाएगा। मे बी 1 साल, 2 साल, 5 साल वो खींच लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिटैच हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, उसको ठीक नहीं लगेगा। दूसरा, उसकी खुद की पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं रिश्तों को लेके, आपकी कितनी समझ है, हाउ वाइज और अवेयर यू आर ऑफ योर ओन इमोशंस एंड हाउ यू इंटरप्रेट इमोशंस इज सच अ कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, कि हम चीज़ों को ना ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप्स आर अ कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे वायर्ड हैं, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप अवॉइडेंट हैं, आप एंक्शस हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, या आपको लगता है कि बात करके चीज़ें सॉल्व करो, सॉल्यूशंस ढूंढो, या फिर आपको लगता है कि सब चीज़ें मेरे तरीके से होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी माई वे और दी हाईवे। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती हैं एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की, और अगर आप इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को रियलाइज नहीं करेंगे, तो मोस्टली आप स्ट्रगल ही करेंगे अपने रिश्तों में। आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगा, एंड नॉट बिकॉज शायद आप में कुछ दिक्कत है, हो सकता है सामने वाले में वो दिक्कत हो सकती है। मे बी दी पर्सन यू आर विद और यू आर इन लव विद और यू कॉल देम फैमिली और somebody हु इज क्लोज टू यू विल ऑलवेज बी इन दैट कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई द राइट पर्सन, एम आई डिड आई से समथिंग राइट, और एम आई बींग ओवर डिमांडिंग और ड्रामेटिक अबाउट थिंग्स, एंड सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर सामने वाला दिखा रहा है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको सिचुएशन को हैंडल क्या कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने समझी है अपने प्रोफेशन से, वो ये है कि जो लोग चुप रहते हैं वो ये सोचते हैं कि वो वाइज है, वो वाइज नहीं है, वो एक्चुअली फर्दर गैस लाइट कर रहे हैं सामने वाले इंसान को जो बात करके रिजॉल्व करना चाह रहा है, एंड दिस इज द बिगेस्ट इमेच्योरिटी और इमेच्योर बिहेवियर आई हैव सीन इन लॉट ऑफ अडल्ट्स, जो अपने आप को अडल्ट्स बोलते हैं लेकिन एक्चुअली उनको अडल्ट्स की तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता है। उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आ रहा है, इट्स बिकॉज मे बी दे हैव देयर ओन इनर चाइल्ड इश्यूज, मे बी दे हैव देयर ओन ट्रॉमास विच हैव नेवर बीन एड्रेस्ड और प्रोसेस्ड। सो एक इंसान को हम एक ब्लैक एंड वाइट फ्रेमवर्क में डाल के नहीं देख सकते हैं, इंसान की कई बैक स्टोरीज होती हैं, उनके लाइफ के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड फाइनली उनके इंटरप्रिटेशंस होते हैं, एंड अगर वो इंसान समझ जाए अपने बारे में, then they can make amazing progress in their relationships, and specially being comfortable with who they are. वो इतना बड़ा important aspect है हमारी life का कि am I okay with what I'm doing, who am I, या फिर मुझे सिर्फ एक grandiosity है कि I am great, I am amazing, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, सब गलत है मेरे आसपास। वो कितना उनको एक समझदारी है, how much they understand themselves की the decisions they took was to just avoid conflict, the decisions they took was just because they lacked the ability to resolve conflict, या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है बिकॉज उनका एक खुद का इमोशनल स्टेट अनस्टेबल था। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट व्हाट आई एम शेयरिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू
connect to the right therapist and work on your emotional intelligence. Because emotional hona achhi baat nahi hai. Emotions ko navigate karna, structure karna, usme samajhdari hai. Usi ko emotional intelligence kehte hain. So kaise hame rationalize karna hai, kaise hame apna sahi galat samajhna hai, hamara context samajhna hai. Uske liye the best advice would be that you connect to the right therapist who understands you, who knows your journey, who knows your traumas and can guide you well. My good wishes to all. God bless. Take care.